हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ एजी फिल्म्स। बताना नहीं किसी को, बताना है ही नहीं किसी को। खैर, तो अभी का प्लान ये है कि हमने रॉको, आज से बेसिकली जो आपका रॉको प्रोजेक्ट है वो शुरू हो रहा है। तो रॉको में सबसे पहली चीज़ जो कि ये है कि आप जब भी कोई गाड़ी खरीदते हैं आप उसका ऑयल चेंज करा लें, ठीक है। मैकेनिकली गाड़ी ओके कर दें आप गाड़ी बिल्कुल, तो ऑयल चेंज कराते हैं, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर चेंज कराते हैं, सारी चीज़ें जो मेन बेसिक चीज़ें होती हैं इसका सबको पता होता है, ये चीज़ें चेंज करा लें जस्ट फॉर तसल्ली। उसके बाद गाड़ी में कुछ जगहों पर मैट ब्लैक रैप्स हुए हैं, वो बहुत रफ हुए हैं, उनको उतरवाएंगे। उसके बाद हमने कल देनी है, कल वाली वीडियो में गाड़ी हमने देनी है डिटेलिंग के लिए। गाड़ी एक्सटीरियर गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह ग्लास कंडीशन, कोटिंग शोटिंग मोटिंग भी हुई है, शीटा मैं पूरा। इंटीरियर गाड़ी का है गंदा, रूफ गंदी है, ये सब चीज़ गंदी है। और जिनकी गाड़ी थी वो हैवी चेन स्मोकर्स थे, एंड व्हेन आई से चेन स्मोकर्स मेरा मतलब बैंड नहीं है, मेरा मतलब है चेन स्मोकर सुट्टा पार्टी। तो गाड़ी में सिगरेट वगैरह की बहुत स्मेल है, बेसिकली गाड़ी अंदर से बहुत ज़्यादा डिटेलिंग मांग रही है, तो वो सब ओके करेंगे। चीज़ें हम निकल चुके हैं, मेन चीज़ें जो हैं, एक तो ये सुल्तान हटवाने हैं, ये टिंट्स हटवाने हैं, छोटे छोटे रैप्स हुए हैं कुछ जगहों पर वो हटवाने हैं, और क्या था, हाँ ये इसका लेदर पूरा उतरवाना है, इस पर ही लेदर लगा हुआ है ये उतरवाना है। ये गाड़ी मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं बनी हुई, तो इस गाड़ी को अपने पूरे हिसाब से बनाना पड़ेगा। ओए ओए ओए, बड़ी सीन ये है कि अभी ना जो चीज़ ठीक वो ठीक, जो गलत उसको उतार देंगे हम पूरा। ठीक है, अटके रहने वाले वाली चीज़ हम पेंट के लिए लेकर आ गए, इसमें ये और ये नीचे से, तो ये पूरा ये वाला जो पीस है ये पेंट होगा। इट्स अ बम्पर की फुल जीनवन फिटिंग हो गई है, ये देखा डबल टेप लगी है, इस साइड पे कोई पेंट की ज़रूरत नहीं है, इस साइड पे यहाँ पे हम कर रहे हैं। बम्बड़ोइज़ रोला हो गया थोड़ा जहा, दस मिनट इम्प्रोवाइजेशन, ग्रिल्स वगैरह लग रही हैं। ओ भाई ग्रिल्स, ओ हेलो, ग्रिल्स वगैरह लग गई हैं, अब बस पेंट वगैरह कल होगा ऑब्वियसली। द नेक्स्ट डे, लगे हुए ना, बस कोशिश करो ना टूटे, बस यहाँ ऐसा हो कि पता ना चले कुछ लगा हुआ था, क्योंकि जो बनी भी है ना रॉको उसमें हाइलक्स और वी नहीं लिखा होता। देखा क्या बात है भाई, देखा नहीं टूटा ना, ये स्टोरी है बॉस, ये क्या चल रहा है बॉस। यार ये डंडा मैंने भी लगाऊंगा डंडा।
बॉयज द कार इज सेट फॉर ऑयल चेंज। जब भी गाड़ी लें सबसे पहला काम करें, बेशक एक दिन पहले ऑयल चेंज हुआ, लेकिन ऑयल चेंज कराना इज़ वेरी मच मस्ट। सर इसका जो 6 लीटर है वो 9,360 रुपये का, 10,700 रुपये का सिर्फ ऑयल बनेगा, 11,700 का। आप जब भी गाड़ी खरीदे ना आपने गाड़ी का ऑयल चेंज जरूर कराना है, बेशक वो कहे कि मैंने कल चेंज कराया। हाँ ठीक है, अगर कोई रसीद वगैरह दिखाए तो अलग बात है, लेकिन मेरा यही है कि जब आप गाड़ी खरीदें आप अपनी तसल्ली के लिए एक दफ़ा उसके ऑयल वगैरह चेंज कराएं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप शोर कर लो थोड़ा सा, थैंक यू। खैर तो अभी ऑयल वगैरह चेंज कराने हैं, फ़िल्टर्स वगैरह चेंज होने हैं, ये सब चीज़ें जो मेन मेन मेंटेनेंस आती है, उसके बाद फिर हमने इसके एक दो रैप्स वगैरह उतरवाने हैं, फुल गाड़ी डिटेलिंग करवानी है, उसके बाद फर्दर उसके ऊपर जो मॉडिफिकेशन वगैरह करनी हो करनी है। किस कंडीशन पे था ये ऑयल? एक्सपायर हो चुका है बॉयज, ये चीज़ बता रहा था मैं। ये जो है ज़िक्का 7000 ये फुल पतला है ना? जी जी। अच्छा तेल है यानी? ये डीजल में अच्छा, सबसे अच्छा है। डीजल में सबसे अच्छा। फिर इसकी उम्र बाद में आता है 1540 ना? हाँ 1540 है। हाँ फिर जब इतना ज़्यादा पुराना हो जाए फिर 2050 है। पहला सीन हो जाए जो स्टेयरिंग ऑयल होता है। नहीं नहीं बड़ी अच्छा। खैर ये तो मैं आप लोगों को बताना भूल ही गया कि ये जो है ज़िक्स का X7000 दिस इज़ जैसा उस बंदे ने भी कहा वन ऑफ द बेस्ट ऑयल्स फॉर अ कार दिस साइज फॉर अ डीजल 2.8। इस ऑयल का आप अभी कलर देख सकते हैं, इट्स लिटरली जेट ब्लैक, और अभी जो डला है इट इज़ इतना खूबसूरत वाला गोल्ड। और फिर ये वीडियो समाप्त हो जाएगी फॉर टुडे।